घर से दूर होकर नौकरी, क्यों ना अपने घर पर रहकर कुछ किया जाए, क्यों ना अपनों के बीच रहकर उनका दुख दूर किया जाए। शायद ऐसे सवाल आपके भी मन में अक्सर उठते होंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पैसा कहाँ है, कौन मदद करेगा, सोचते ही आप पीछे हट जाते होंगे। हालांकि जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। आज हम उन दो बहनों की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने लाखों का पैकेज छोड़ दिया, शहर की चमक से दूर गांव में रहकर गांव के किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा रही हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की दो बेटियां कुशिका शर्मा और कनिका शर्मा की, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी मोटी तनख्वाह की नौकरी को तवज्जो ना देकर रुक किया अपने गाँव का। दिल्ली जैसे महानगर की सुख सुविधाएं सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि पहाड़ों को फिर से जीवन दे सकें। हम आपकी तरह ही कुशिका शर्मा और कनिका शर्मा अपनी जिंदगी बड़े अच्छे से गुजार रही थी, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी मन अशांत है, जिंदगी में खुशहाली नहीं है। जो उन्हें अपने गांव की हसीन वादियों में मिलती थी वो दिल्ली में नहीं है। दोनों बहनों ने तय किया कि वो सब कुछ छोड़कर उत्तराखंड में बसे अपने गाँव मुक्तेश्वर जाकर गाँव की तरक्की में अपना योगदान देंगी। उन्होंने गाँव जाकर ऑर्गेनिक खेती के प्रति जागरूकता लाने का रास्ता चुना। मुक्तेश्वर जाकर दोनों बहनों ने द ऑर्गेनिक विलेज रिजॉर्ट का शुभारंभ किया और स्थानीय लोगों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने लगी। कुशिका शर्मा और कनिका शर्मा ने स्कूली शिक्षा उत्तराखंड के नैनीताल और रानीखेत से पूरी की। स्कूली शिक्षा पूर्ण होने के बाद कुशिका ने MBA किया और MBA करने के बाद तकरीबन 4 साल तक गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के रूप में काम किया। तो वहीं दूसरी ओर उनकी बहन कनिका ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में अच्छे अंकों के साथ मास्टर्स की डिग्री ली। इसके बाद कनिका को हैदराबाद में एंटरप्रेन्योरशिप में स्कॉलरशिप मिल गई। अपने अपने क्षेत्र में दोनों बहनों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम करने का मौका मिला। पढ़ाई और नौकरी के चलते दोनों बहनों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, जो कि नैनीताल में रहता था, लेकिन जब भी मौका मिलता दोनों बहनें अपने परिवार से मिलने नैनीताल पहुंच जाती। कुशिका ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि हमारे पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं, क्योंकि जो मन को भा जाए ऐसा सुकून उन्हें सिर्फ अपने गांव में मिलता था। इसलिए हम दोनों बहनों ने निर्णय लिया कि हम अपने गांव वापस लौट जाएंगे और गांव की तरक्की में काम करेंगे, जिससे गांव में रहने वाले लोगों के जीवन को हम आसान बना सकें। इसके लिए हमने फैसला किया कि हम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती करेंगे। इस तरह दोनों बहनों ने अपने गांव के शांतपूर्ण स्वच्छ वातावरण में रहते हुए जैविक खेती करने का दृढ़ निश्चय किया और अपनी नौकरी को अलविदा बोलकर अपने परिवार के साथ गांव मुक्तेश्वर आ गए। चुनौतियां और उनका सामना। शुरुआत में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गांव वालों के लिए इनका विचार एकदम नया था। इस पर पूर्ण विश्वास करने में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक था। मुक्तेश्वर में रहकर दोनों बहनों ने कुछ दिनों तक वहां की खेती योग्य स्थितियों और किसानों की स्थिति का जायजा लिया, आसपास के किसानों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि कहाँ किस तरह की समस्याएं हैं। इस दौरान इन दोनों ने अनुभव किया कि गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, लेकिन स्थानीय लोगों में कृषि उत्पादन बढ़ाने को लेकर जागरूकता का अभाव है। साथ ही ये भी जाना कि वहां के किसानों को जैविक खेती के बारे में ज्ञान नहीं है और साथ ही उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। कुशिका और कनिका ने निर्णय लिया कि किसानों से आगे बात करने से पहले वो स्वयं जैविक खेती और जीरो बजट खेती कैसे की जाती है इसका प्रशिक्षण लेंगी। प्रशिक्षण के दौरान दोनों ने दक्षिण भारत और गुजरात के कई राज्यों का दौरा किया। पूर्ण प्रशिक्षण लेने के बाद साल 2014 में दोनों बहनों ने मिलकर मुक्तेश्वर में 25 एकड़ जमीन पर खेती का कार्य शुरू किया। साथ ही अन्य लोगों का रुख गाँव की ओर करने हेतु दयो द ऑर्गेनिक विलेज रिजॉर्ट की स्थापना की। दयो द ऑर्गेनिक विलेज, इस विलेज को इस तर्ज पर तैयार किया गया कि कोई भी यहाँ छुट्टियां मनाने आए तो उसे जैविक खेती और पर्यावरण से जुड़ने का मौका मिले। यहाँ आने वाले सैलानियों को आजादी होती है कि वो फार्म में जाकर अपने हाथों से सब्जी को तोड़े और अपनी पसंद की सब्जी रिजॉर्ट के शेफ को देकर मनपसंद डिशेस तैयार करवा सके। रिजॉर्ट में इस समय करीब 20 लोग काम कर रहे हैं। कुशिका कहती है कि यदि पहाड़ों का पलायन रोकना है तो पहाड़ी लोगों को यहाँ पर रोजगार देना होगा, जिसके लिए वो भरपूर प्रयास कर रही है। कुशिका और कनिका यहाँ रिजॉर्ट में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को बेचने के लिए सप्लाई चेन बना रही हैं। इस सीजन में उन्होंने अपने रिजॉर्ट की सब्जियां और फलों को मंडियों में भी बेचा। आगे इनकी कोशिश है कि वो इसमें स्थानीय लोगों के कृषि उत्पादों को भी शामिल करें, जिससे उनको अपने उत्पादों के सही दाम मिल सके। आज कुशिका और कनिका न केवल अपने इस काम से खुश हैं, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को जैविक खेती के फायदे कैसे लिए जाते हैं इसके बारे में भी ज्ञान दे रही हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।